हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार पुलिस फायरमैन 2021 में 2380 पोस्ट पर जो वैकेंसी आई हुई है उसके लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 9 को कवर करेंगे। फ्रेंड्स, इससे पहले ऑलरेडी हम लोगों ने सेट नंबर 1 से लेकर के 8 तक को कवर किया हुआ है। अगर आपने इन सभी वीडियोज़ को नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, इनका लिंक आज की इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दिया है। और फ्रेंड्स, आज की इस प्रैक्टिस सेट में हम लोग जीके जीएस साइंस और करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ इस बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा ताकि जब भी बिहार फायरमैन से रिलेटेड कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, आज के सेशन का पहला क्वेश्चन देखिए, फ्रेंच ओपन 2021 महिला एकल का खिताब किसने जीता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको कोशिश करना है केवल 5 से 7 सेकंड के अंदर आंसर देने के लिए। उसके बाद जो भी करेक्ट आंसर होगा पूरी डिटेल में मैं आपको बता दूंगा। तो देखिए फ्रेंड्स, फ्रेंच ओपन 2021 महिला एकल का खिताब किसने जीता है, बारबोरा क्रेजिकुआ ने जीता। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। बारबोरा क्रेजिकुआ जो है ये चेक गणराज्य की रहने वाली हैं। इन्होंने फाइनल में एनेस्तेसिया पावलुचेंकोवा को हराया है। एनेस्तेसिया पावलुचेंकोवा जो है ये रूस की रहने वाली हैं, ये भी आप ध्यान रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि फ्रेंच ओपन 2021 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है तो पुरुष एकल का खिताब नोवाक जोकोविच ने जीता है। नोवाक जोकोविच ने फाइनल में राफेल नडाल को हराया था। नोवाक जोकोविच सर्बिया के रहने वाले हैं, राफेल नडाल स्पेन के रहने वाले हैं। अगर बात करें ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 तो देखिए फ्रेंड्स, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 का पुरुष एकल का विजेता नोवाक जोकोविच ही थे जो इस बार फ्रेंच ओपन 2021 के विजेता हैं। और महिला एकल का विजेता ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 की रही हैं नाओमी ओसाका। नाओमी ओसाका जापान की रहने वाली हैं, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स, दूसरा क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, टोटल 22 भाग हैं। अगर आपसे अनुसूची पूछा जाए कि संविधान में वर्तमान में कितनी अनुसूचियाँ हैं तो ध्यान रखिएगा 12 अनुसूचियाँ हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अगर हम बात करें कि ये जो 22 भाग हैं इनमें से कुछ इंपॉर्टेंट भाग आपको याद रखना है, जैसे कि भाग एक में क्या है तो भाग एक में संघ और उसका राज्य क्षेत्र है, भाग दो में क्या है नागरिकता है, भाग तीन में क्या है मौलिक अधिकार है, उसी प्रकार से याद रखेंगे भाग चार में क्या है तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, भाग चार क में क्या है तो मौलिक कर्तव्य हैं, भाग 15 में क्या है निर्वाचन है, भाग 17 में क्या है भाग 17 में राजभाषा है, भाग 18 में क्या है आपात उपबंध है, भाग 20 में क्या है तो भाग 20 में संविधान संशोधन है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 है कि डेट्रायट नामक नगर किसके लिए प्रसिद्ध है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो डेट्रायट है ना, ये डेट्रायट संयुक्त राज्य अमेरिका एवं संपूर्ण विश्व में यह ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए फेमस है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डेट्रायट जो है ये संयुक्त राज्य अमेरिका में है, ध्यान रखिएगा। फ्रेंड्स, हम लोगों ने लूसेंट जीके ऑब्जेक्टिव का सीरीज चला रखा है, अगर आप अब तक नहीं जुड़े हैं उस सीरीज से तो जुड़ जाएगा। प्राचीन भारत के इतिहास को हम लोगों ने समाप्त कर लिया है। देखिए बिहार फायरमैन में वहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे, तो सभी वीडियोस का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप एक बार जरूर देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा भाग मनुष्य में मादा प्रजनन तंत्र में नहीं होता है। तो मादा प्रजनन तंत्र में नहीं होता है शुक्रवाहिनी, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। शुक्रवाहिनी, शुक्राशय, वृषण ये सभी जो है पुरुष प्रजनन तंत्र के भाग हैं, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि नील दर्पण नामक पुस्तक किसने लिखी है। तो फ्रेंड्स देखिए, नील दर्पण जो है इसको किसने लिखा है, इसको लिखा है दीन बंधु मित्र ने, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, और फ्रेंड्स इससे पहले जितने भी CSBC के द्वारा जो कि बिहार फायरमैन की एग्जाम कंडक्ट करवाती है उसके द्वारा 2010 से लेकर के 2021 तक जितने भी एग्जाम कंडक्ट कराए गए हैं उनमें जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उनको हम लोगों ने सब्जेक्ट वाइज कवर किया हुआ है। हिस्ट्री का हमने कर लिया है, साइंस का एक पार्ट हमने कवर किया हुआ है, उसके बाद बात करें तो हम लोगों ने इतिहास का कवर किया हुआ है, बाकी धीरे धीरे सभी विषय का आपको मिल जाएगा। चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, ठीक है फ्रेंड्स। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। देखिए छठा क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिहार की जनगणना से भी संबंधित प्रश्न आपके एग्जाम में निश्चित रूप से 1 से 2 पूछे जाएंगे। तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला जो है 2011 की जनगणना के अनुसार ये गोपालगंज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर इसका हो जाएगा। सबसे कम पूछा जाए तो याद रखिएगा सबसे कम मुंगेर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। देखिए फ्रेंड्स, पृथ्वी दिवस, जल दिवस, पर्यावरण दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, ओजोन परत संरक्षण दिवस,
ये सब पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो आपको ध्यान रखना है, पृथ्वी दिवस जो है प्रत्येक वर्ष 22 अप्रैल के दिन मनाया जाता है। 2021 में इसकी थीम आपको याद रखनी है, री स्टोर आवर अर्थ। यहाँ मैं लिख देता हूँ री स्टोर आवर अर्थ, ठीक है, याद रखेंगे इस वर्ष की थीम रही थी। 2020 की भी थीम याद रखिएगा क्लाइमेट एक्शन थी। अगर बात करें 22 मार्च के दिन तो विश्व जल दिवस मनाया जाता है। 16 सितंबर के दिन क्या मनाया जाता है, ओजोन परत संरक्षण दिवस। 5 जून के दिन मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 है कि 72वें गणतंत्र दिवस की परेड में इनमें से किस देश की सैनिक टुकड़ी ने परेड में हिस्सा लिया था। तो फ्रेंड्स इस वर्ष 72वां गणतंत्र दिवस था, ध्यान रखेंगे, और इस वर्ष जो है बांग्लादेश की सैनिक टुकड़ी ने परेड में हिस्सा लिया था, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। इससे पहले जो है किस देश की सेना ने पहली बार सैन्य टुकड़ी जो है परेड में हिस्सा लिया था, तो 2016 में फ्रांस की सैन्य टुकड़ी ने परेड में हिस्सा लिया था, और ये दूसरा मौका है इस वर्ष जब बांग्लादेश की सैनिक ने परेड में हिस्सा लिया है। ध्यान रखेंगे सभी के सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो देखिए फ्रेंड्स, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का नया अध्यक्ष चुना गया है, किसको चुना गया है, जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा को, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, जस्टिस ए के मिश्रा को। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो 1993 में हुई थी। ध्यान रखिएगा राष्ट्रीय मानव आयोग का जो अध्यक्ष होता है इसका कार्यकाल 3 वर्ष या फिर 70 वर्ष की आयु, जो भी पहले पूरी हो जाए वह अवकाश ग्रहण कर लेता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 देखिए कि भारतीय संविधान की अनुसूची 6 में किन किन राज्यों को शामिल किया गया है। तो देखिए फ्रेंड्स, अनुसूची 6 जो है भारतीय संविधान का, इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। उसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन देखिए कि अवध के ब्रिटिश साम्राज्य में मिलन के समय अवध के नवाब कौन थे। तो देखिए अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में 1856 में कुशासन का आरोप लगा करके ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया था, और उस समय अवध के नवाब जो थे वाजिद अली शाह थे, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। और उस समय गवर्नर कौन था, तो उस समय गवर्नर जनरल जो था वो लॉर्ड डलहौजी था। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे लॉर्ड डलहौजी ने भारत में जो है वुड डिस्पैच को लागू किया, इसी के समय पहली बार रेल चलाया गया था, और सबसे प्रसिद्ध इसका जो है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स है, यानी कि व्यापगत का सिद्धांत किसने लागू किया था, तो ये लॉर्ड डलहौजी ने, ये भी आप ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए कि वर्ष 2021 में बिहार दिवस किस तिथि को मनाया गया। तो फ्रेंड्स बिहार दिवस जो है यह प्रत्येक वर्ष 22 मार्च के दिन मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर इसका हो जाएगा। 22 मार्च के दिन विश्व जल दिवस भी मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए कि 8 ग्रहों में पृथ्वी सूर्य से कौन से स्थान पर स्थित है। तो 8 ग्रहों में पृथ्वी जो है सूर्य से किस नंबर पर है, तो ये 3रे नंबर पर आता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए पहले नंबर पर बुध आता है, 2रे नंबर पर शुक्र आता है, 3रे नंबर पर पृथ्वी, 4थे नंबर पर मंगल, 5वें नंबर पर बृहस्पति, 6ठे नंबर पर शनि, 7वें नंबर पर अरुण और 8वें नंबर पर वरुण आता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे ये क्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि ऊष्मा गतिकी का प्रथम नियम जिस संरक्षण नियम के ऊपर आधारित है वह है। तो देखिए ऊष्मा संरक्षण का जो ये नियम है, ऊष्मा गतिकी का यह प्रथम नियम जो है यह किस पर आधारित है, तो ऊर्जा संरक्षण के नियम पर जो है आधारित है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि सिराजुद्दौला और ब्रिटिश के बीच प्लासी का युद्ध कब हुआ था। तो सिराजुद्दौला और ब्रिटिश सेनापति उस समय रॉबर्ट क्लाइव था, इनके बीच प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को हुआ था। इसमें नवाब सिराजुद्दौला की हार हुई थी और ब्रिटिशर जो थे ये जीत गए थे, ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए कि मानव की पसलियाँ किसके साथ जुड़ी होती हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि मानव शरीर में कितनी जोड़ी पसलियाँ पाई जाती हैं, तो 12 जोड़ी, संख्या पूछी जाए तो 24। अब देखिए ये पसलियाँ होती है, एक साइड कितनी होती है, 12 होती हैं, ये 12 होती हैं, इधर भी 12 होती है, ठीक है, और बीच में इनको एक हड्डी जोड़ के रखता है, इसी हड्डी को कहा जाता है एस्टर्नम। क्या कहा जाता है, एस्टर्नम कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि इनमें से कौन सा सार्क का सदस्य देश नहीं है। सार्क का सदस्य देश इसमें से कौन सा नहीं है। सार्क का फुल फॉर्म होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉपरेशन। इसकी स्थापना 1985 में हुई थी, ध्यान रखेंगे 1985 में हुई थी।
इसमें टोटल 8 है देश इसके सदस्य हैं। कौन कौन से हैं? तो भारत है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, नेपाल है, भूटान है, श्रीलंका है, मालदीव और अफगानिस्तान है। सार्क का पहला शिखर सम्मेलन 1985 में बांग्लादेश के ढाका में हुआ था। ये भी आप ध्यान रखेंगे, इसमें जो है थाईलैंड इसका सदस्य देश नहीं है। फ्रेंड्स, आप मुझे कमेंट करके अभी तुरंत बताइए कि सार्क का मुख्यालय कहाँ है, सार्क का हेडक्वार्टर कहाँ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 18 नंबर, कि जो बहुत कुछ जानता हो वाक्यांश के लिए सही शब्द क्या है? तो जो बहुत कुछ जानता हो उसको बहुश्रुत कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। जिसने बहुत कुछ देखा हो उसको बहुदर्शी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की आत्मकथा का शीर्षक क्या है? तो देखिए, ये APJ अब्दुल कलाम जी जो थे ये भारत के 11वें राष्ट्रपति थे। ध्यान रखेंगे इनका जो कार्यकाल रहा था ये रहा था 2002 से लेकर के 2007 तक, ठीक है फ्रेंड्स। और इनकी जो आत्मकथा है ये है विंग्स ऑफ फायर। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि यदि किसी वस्तु का वेग 3 गुना बढ़ा दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा कितनी बढ़ जाएगी? तो गतिज ऊर्जा का क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 mv² होता है। मैंने कई बार ये तरीका बताया है आप लोगों को निकालने का, कि आपको इस फॉर्मूले में कुछ भी दिया हो इस फॉर्मूले को बाहर करना है आपको, जब भी आप इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करें। तो देखिए, हाफ मास में कोई चेंजिंग नहीं हुआ है, वेलोसिटी कह रहा है कि 3 गुना यानी कि 3v² हो जाएगा। क्यों, मैंने v का वैल्यू यहाँ 3v रख दिया है। अब देखिए ये कितना हो जाएगा, 1/2 m, 3 का स्क्वायर कीजिए 9 और v का स्क्वायर कीजिए v². मैंने क्या बोला था कि इस फॉर्मूले को आपको बाहर निकालना है, तो यहाँ से क्या निकालेंगे आप, 1/2 m v² को बाहर निकालिए, 1/2 m v² को आप बाहर निकालिए। उसके बाद बच कितना रहा अंदर, तो अंदर 9 बच रहा है। तो देखिए अब कितना गुना ये हो जाएगा, 9 गुना हो जाएगा, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। देखिए 21 नंबर क्वेश्चन है कि मत यानी कि वोट देने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में आता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए फ्रेंड्स, अनुच्छेद 326 में कहा गया है कि लोकसभा एवं राज्यों के विधानसभाओं के लिए जो निर्वाचन होगा वो वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 326। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निकोलो कोंटी किसके शासनकाल में भारत आया था? देखिए निकोलो कोंटी जो था ना ये इटली का यात्री था। कहाँ का था, इटली का यात्री था, ध्यान रखिएगा। और फ्रेंड्स, यह भारत आया था देवराय प्रथम के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद पूछा जाता है कि डोमिंग पायस, यहाँ मैं लिख देता हूँ डोमिंग पायस और बारबोसा, ठीक है, और बारबोसा, ये दोनों के दोनों जो थे ये पुर्तगाली यात्री थे और ये दोनों कृष्णदेव राय के दरबार में आए थे, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद अब्दुल रजाक पूछा जाता है, अब्दुल रजाक फारसी यात्री था और ये देव राय द्वितीय के दरबार में भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन हमारा कि अंतर्राज्यीय परिषद का सदस्य कौन नहीं होता है? तो देखिए अंतर्राज्यीय परिषद का जो स्थापना है यह केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए 1990 में किया गया था। क्लियर है फ्रेंड्स। देखिए इसके सदस्य कौन होते हैं, तो प्रधानमंत्री होते हैं तथा उनके द्वारा मनोनीत कैबिनेट स्तर के मंत्री होते हैं, सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री होते हैं और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक होते हैं, ठीक है। राज्यपाल इसके सदस्य नहीं होते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है, तो ये प्रधानमंत्री होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 288 यानी कि इसका एटॉमिक नंबर कितना हो गया, 2, 8, 10 और 18 यानी कि 18 एटॉमिक नंबर वाला परमाणु क्रमांक वाला तत्व कौन सा है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो सीधी सी बात है, यह है ऑर्गन। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लोरीन का कितना होता है, क्लोरीन का 17 होता है, ठीक है। कैल्शियम का कितना होता है, फॉस्फोरस का कितना होता है, ये दोनों आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, कैल्शियम का कितना होता है और फॉस्फोरस का कितना होता है, ठीक है, ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा कि एक्यूट के लिए समान अर्थक शब्द क्या है, एक्यूट के लिए समान अर्थक शब्द क्या है यानी कि एक्यूट का सिनोनिम आपको बताना है, ये अंग्रेजी का क्वेश्चन है। तो देखिए एक्यूट का मतलब होता है तीव्र, तेज, और सीवियर का मतलब भी होता है तेज, ठीक है, सीरियस, सीवियर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वन विच इज कैनॉट बी करेक्टेड यानी कि जो सही नहीं किया जा सकता है उसके लिए एक शब्द क्या है, तो वन विच इज कैनॉट बी करेक्टेड इज कॉल्ड इनकोरिजिबल। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि अनिल का समान अर्थी शब्द क्या है। तो देखिए फ्रेंड्स, अनिल का मतलब क्या होता है, अनिल का मतलब वायु होता है,
तो वायु यानी कि पवन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अनल जो है यहाँ पर देख सकते हैं, अनल मतलब आग होता है, ठीक है। वारी मतलब क्या होता है, वारी मतलब पानी होता है, जल होता है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, और फ्रेंड्स वीडियो के लास्ट में अपना स्कोर बता के जाइएगा आप लोग। देखिए भारत में निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश झूम कृषि के लिए प्रसिद्ध है, तो झूम कृषि जो है यह सबसे आदम तरीका है कृषि का। और फ्रेंड्स देखिए झूम कृषि में क्या होता है, पहाड़ों पर जंगलों की साफ सफाई की जाती है और वहाँ पर कृषि किया जाता है, तो ये पहाड़ी इलाके में मेलन किया जाता है। और भारत के जो पूर्वोत्तर राज्य हैं, नागालैंड है, अरुणाचल है, मेघालय है, यहाँ पर झूम कृषि की जाती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पूर्वोत्तर क्षेत्र। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 का संबंध किससे है, तो ये आर्टिकल 368 जो है इसका संबंध संविधान संशोधन से है। और मैंने आपको बताया था कि संविधान संशोधन जो है संविधान के किस भाग में है, तो भाग 20 में है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसको कहाँ से लिया गया है, किस देश से लिया गया है, तो ये दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है संविधान संशोधन की प्रक्रिया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए कि लॉरेंस विश्व खेल पुरस्कार 2021 के अंतर्गत स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है, तो फ्रेंड्स ये प्रदान किया गया है राफेल नडाल को। राफेल नडाल का संबंध लॉन टेनिस से है और ये स्पेन के रहने वाले हैं। अभी हाल ही में ये जो है, अभी हम लोगों ने चर्चा किया था इसके बारे में कि इन्होंने जो फ्रेंच ओपन है इसमें इन्होंने हार का सामना किया है, और इनको हराया किसने है, नोवाक जोकोविच ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि पौधे में गैसीय रूप में पाया जाने वाला एकमात्र हार्मोन कौन सा है, तो गैसीय रूप में पाया जाने वाला जो एकमात्र हार्मोन है उसका नाम है एथिलीन। देखिए एथिलीन जो है ये फलों के पकाने में सहायक होता है। फ्लोरोजिन्स जो है यह भी एक जो है पौधे का हार्मोन है, पादप हार्मोन है, और फ्लोरोजिन्स जो है फूलों के खिलने में सहायक होता है। साइटोकाइनिन जो है कोशिका विभाजन में सहायक होता है, सभी को आप ध्यान रखिएगा। 32 नंबर देखिए कि ओडिशा के कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो उड़ीसा के कोणार्क मंदिर का जो निर्माण है फ्रेंड्स ये किसने करवाया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इसका निर्माण किसने करवाया था, नरसिंह देव प्रथम ने करवाया था, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो जगन्नाथ मंदिर का निर्माण जो है ये किसने करवाया था, तो गंगदेव ने करवाया था, ठीक है। उसके बाद पूछा जाता है कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण, तो कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण धंगदेव ने करवाया था, क्लियर। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम ने करवाया था, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 33 नंबर कि कैमूर वन्य अभ्यारण्य बिहार के किस जिला में है, तो कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य जो है ये कैमूर में है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर इसका हो जाएगा। भारत में G20 शिखर सम्मेलन कब आयोजित होगा, तो देखिए फ्रेंड्स मैं आपको पूरा तरीका बता देता हूँ इसको याद करने का, कोई भी प्रश्न अगर G20 से पूछा जाएगा तो आप आसानी से बता सकते हैं। देखिए 2021 में इसका मेजबानी कौन करेगा, इटली करेगा, और ये इसका कौन सा संस्करण होगा, तो ये इसका 16वां संस्करण होगा। 2022 में देख लीजिए आप, 2022 में 17वां संस्करण होगा और इसकी मेजबानी इंडोनेशिया करेगा। 2023 का भारत करेगा, 2024 का ब्राज़ील करेगा, ठीक है। चलिए 35 नंबर देखिए कि निम्न में से किसके अंतर्गत पक्षियों से संबंधित अध्ययन किया जाता है, तो पक्षियों से संबंधित अध्ययन जो है ये किया जाता है ऑर्निथोलॉजी के अंतर्गत, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ ऑफियोलॉजी देख रहे हैं, इसके अंतर्गत जो है सांपों का अध्ययन किया जाता है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है, इसमें से सुमेलित जो है वो कौन सा है। देखिए गोरखपुर परमाणु पावर स्टेशन ये उत्तर प्रदेश में नहीं है, ये हरियाणा में है। तारापुर परमाणु ऊर्जा स्टेशन ये मध्य प्रदेश में नहीं है, ये महाराष्ट्र में है। कुंडलकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र ये कर्नाटक में नहीं है, ये कहाँ है, तमिलनाडु में है। नरौरा परमाणु ऊर्जा स्टेशन ये उत्तर प्रदेश में है, बिल्कुल ये सुमेलित है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिए ह्यूमरस शरीर के किस भाग की हड्डी है, तो ह्यूमरस जो है ये हाथ की हड्डी है, ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद 38 नंबर देखिए तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था, तो तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन जो है ये अशोक के शासनकाल में हुआ था, पाटलिपुत्र में, ठीक है फ्रेंड्स, पाटलिपुत्र में अशोक के शासनकाल में, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। पहला राजगृह में अजात शत्रु के समय हुआ था, दूसरा हुआ था वैशाली में कालाशोक के समय, तीसरा अशोक के समय पाटलिपुत्र में, और चौथा कुंडलवन कश्मीर में कनिष्क के समय, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि साक्षी मलिक का संबंध किस खेल से है, तो देखिए फ्रेंड्स साक्षी मलिक का संबंध जो है इनका संबंध रेसलिंग से है, कुश्ती से है। 2016 ओलंपिक में इन्होंने कांस्य पदक जीता था, आपको याद भी होगा,
ध्यान रखेंगे 2016 ओलंपिक में भारत ने केवल दो पदक जीता था, एक रजत पदक और एक कांस्य पदक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री, स्वतंत्र भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री, स्वतंत्र भारत के प्रथम सूचना एवं प्रसारण मंत्री, ये थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन देखिए कि वाल्मीकि टाइगर रिजर्व निम्नलिखित में से किस जिले में है। इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। टोटल 40 क्वेश्चन हम लोगों ने कवर किया है, अपना स्कोर आप कमेंट करके बताइएगा। और फ्रेंड्स प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियोज हम लोगों ने कवर किया हुआ लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।